हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पारस अग्रवाल केजे क्लासेस के सब्सक्राइबर्स की ओर से आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। रिसेंटली हमें 2 जून 2022 को एक अमेंडमेंट देखने को मिली जीएसटी पोर्टल पे। उस बारे में हम आज कुछ डिस्कशन करने के लिए कपिल सर से आज मुलाकात कर रहे हैं। कपिल सर हमें बताएंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस की क्या ज़रूरत थी, इससे पहले हम क्या फेस कर रहे थे और इन चेंजेस से आने से क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे। कपिल सर, आप हमें ये बताइए कि क्या चेंजेस आए हैं अभी रिसेंटली। थैंक यू पारा जी। देखिए, पहली बात तो चेंजेस ये है कि जो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा लीगल नेम और एक होता है हमारा ट्रेड नेम। लीगल नेम का मतलब क्या हो गया कि मेरा पैन कार्ड है, मेरे पैन कार्ड पे मेरा नाम है कपिल जैन, तो वो है मेरा लीगल नेम। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग कहीं भी अगर मैं जाता हूं, मुझे कपिल जैन के नाम से जानते ही नहीं है। कई लोग जब भी मैं कहीं जाता हूं वो कहते हैं केजे क्लासेस, मैं कहता हूं हाँ। तो यहां पर अगर मैं केजे क्लासेस की बात करूं तो केजे क्लासेस इज माई ट्रेड नेम, ठीक है, जिसके नाम पर मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो होता क्या, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पेन के जो डेटाबेस में मेरा नाम गया हुआ है कपिल जैन गया हुआ है, लेकिन जब मैं जीएसटी पे रजिस्टर्ड करता हूँ तो मेरा नाम आता है वो केजे क्लासेस, ठीक है, वो मेरा ट्रेड नेम हो गया। अभी तक ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि केजे क्लासेस में मैं बात करता हूँ सिर्फ पढ़ाने की, इसके अलावा मेरी प्रैक्टिस भी है। अगर मैं बात करूँ, जो मेरी प्रैक्टिस है वो केजे क्लासेस के नाम से नहीं है, वो मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है मान लो, और उसका नाम है जैन कपिल एंड एसोसिएट्स। अब अगर मैं जैन कपिल एंड एसोसिएट्स, मेरा ये क्या हो गया ट्रेड नेम, और केजे क्लासेस भी क्या हो गया मेरा ट्रेड नेम, तो मेरे दो ट्रेड नेम हो गए। ऐसा कई लोगों का और भी हो सकता है, लेकिन जीएसटी पोर्टल ये कहता है कि भाई हम आपको एक तो लीगल नेम देंगे और एक आपको ट्रेड नेम देंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जब मैं केजे क्लासेस के ट्रेड नेम से तो मैं रजिस्टर्ड था, जब मैं जैन कपिल एसोसिएट्स के नाम से कुछ भी काम करता था तो कोई भी व्यक्ति मुझे पहचानता नहीं था, ठीक है, जीएसटी वाले मुझे नहीं जानते थे इस मैटर पे, क्योंकि जीएसटी में वो अपडेट नहीं होता था, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या थी लोगों को। तो मेरे हिसाब से इस समस्याओं को एड्रेस करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि आप जैसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताते हो, ऐसे ही एडिशनल ट्रेड नेम भी बता सकते हो। तो अब क्या होगा कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बिजनेस कर सकेगा उसी सेम पैन नंबर पे। कर तो पहले भी सकता था, लेकिन वहां पर ट्रेड नेम की दिक्कत आती थी, उसे ट्रेड नेम एक ही रखना पड़ता था। तो यहां पर यह समस्या बहुत लोगों को आ रही थी, तो इसे गवर्नमेंट ने एड्रेस करा है। तो यहां पर हमें जब एक ही पैन नंबर पे एक से ज्यादा ट्रेड नेम मिल गए तो जो हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं उस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर इस चीज को समझना कि जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो जीएसटी नंबर हमारा एक ही है, हमारे ट्रेड नेम दो हैं लेकिन जीएसटी नंबर हमारा एक ही है। तो जब हम दोनों ट्रेड का जो बिजनेस करेंगे उसकी जीएसटी रिटर्न्स हम एक ही में डालेंगे, यहां पर कोई हमें नया जीएसटी नंबर नहीं लेना है, जीएसटी नंबर हमारा वही होगा, ट्रेड नेम दो होंगे, उन दोनों की सेल्स परचेज को कंबाइंड कर हम सेम उसके अंदर डालेंगे। सेम जितनी भी हमारी रिटर्न फाइलिंग होगी सबके लिए हमें सेम मेथड फॉलो करना है। जी जी बिल्कुल। हमारा अगर एक ट्रेड के अंदर हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम आती है, हाँ, और हम अगर दूसरे ट्रेड में कॉम्पोजिशन स्कीम फिर हमारी कंपलसरी हो जाएगी सर, ऐसा? हाँ, अगर आप सेक्शन 10 पढ़ते हो, हाँ, तो सेक्शन 10 जो हमारा कंपोजिशन स्कीम का कहता है वो पैन नंबर की बात करता है कि अगर आप एक पैन नंबर पे ऐसा नहीं कर सकते कि कंपोजिशन ले ली और नॉर्मल ले ली, या तो आपको पूरा कंपोजिशन जाना पड़ेगा या पूरा नॉर्मल जाना पड़ेगा। तो अगर आपने ट्रेड नेम आपका कोई दूसरा भी है तो या तो आप सेक्शन 9 से नॉर्मल में जाएंगे या सेक्शन 10 से कंपोजिशन में, आप अलग-अलग नहीं जा सकते। तो सर, इससे हमें क्या पीछे हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को, और सर आप मुझे ये भी बताइए यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर भी इसमें जा सकता है या फिर एक नया रजिस्ट्रेशन होगा उसी को ये एडिशनल ट्रेड नेम का ऑप्शन मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर ना हमने लॉगिन खोला हुआ है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन, अगर आप देखोगे हमने 2019 से रजिस्ट्रेशन ले रखा है और इसमें भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडिशनल ट्रेड नेम का। तो अगर हम यहाँ पर भी एडिशनल ट्रेड नेम करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी एडिशनल ट्रेड नेम आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको नए रजिस्ट्रेशन पे ही होगा, जो लोग एग्जिस्टिंग
टीचिंग बिजनेस में है वो भी यहाँ पर एडिशनल ट्रेड नेम कर सकते हैं। पहले हम पर बहुत बार क्वेरी आई कि भाई सर हमारा ट्रेड नेम ये है, अब हम इस नाम से बिजनेस करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला उन्हें कि भाई आप उस नेम को अमेंड कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसे अमेंड करने में भी लोगों को दिक्कत आती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अब आपको अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ठीक है ना दूसरा ट्रेड नेम ले सकते हो। तो इसमें हम किसी भी क्लास का बिजनेस कर सकते हैं, एक ट्रेड नेम हमारा सेपरेट है, न्यू हम एक और ट्रेड नेम उसमें डाल रहे हैं, हम उसमें कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पारस जी ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जीएसटी में जो जीएसटी नंबर है ना वो पैन बेसिस पर मिल रहा है हमारे को। तो मैंने अगर एक पैन नंबर पे एक जीएसटी नंबर अपना ले लिया, तो ये मेरी इच्छा है कि अगर मेरा कोई बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है तो मैं चाहूँ तो अलग रजिस्ट्रेशन ले लूँ, चाहूँ तो मैं सेम पैन नंबर पर भी काम कर सकता हूँ। ये अभी भी है, जैसे पीछे था कि हमें अगर दूसरा ट्रेड नेम से हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सेम स्टेट के अंदर हमें एक और रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। नहीं वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। हाँ। अगर आप सेक्शन 25 को पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आज भी वो कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा है तो आप नया रजिस्ट्रेशन लो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप सेम पैन नंबर पे उस बिजनेस को कर सकते हो, एक से ज्यादा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको मैं ये चीज बता दूं, अगर आप एक ही पैन नंबर पे चार ट्रेड नेम से बिजनेस कर रहे हो करो, लेकिन जो आपका यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस है वहां पर आप उसे एड ऑन करते रहना जो भी आपकी मैक्सिमम हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम 5 ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें मान लो जैसे आपकी टोटल टर्नओवर 100 रुपए की है, तो जिससे 20 रुपए की आ रही है 40 रुपए की आ रही है उन्हें मैक्सिमम वाले को दिखा दो, जो छोटी टर्नओवर है उसे मत दिखाओ, उसे कर सकते हैं। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप इस नहीं इसमें? बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो भी है ये फैसिलिटीज आती है इन पर आप वॉच रखें, जिससे आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे पाए। ये चीज हम अपनी मैगजीन में भी कवर अप कर रहे हैं, तो अगर किसी ने अभी तक हमारी मैगजीन नहीं ली है तो इस महीने का एडिशन बहुत अच्छा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दो तीन हाई कोर्ट की जजमेंट है और सारी चीजों को हमने डिटेल में दिया है। तो अगर आपने अभी तक हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपको नंबर बता देता हूं, इन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारी मैगजीन ले सकते हैं। एक हमने ना ई लाइब्रेरी का भी सब्सक्रिप्शन शुरू करा है, आप ई लाइब्रेरी भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे कि जो ड्यू डेट्स वगैरह होती है उसके लिए ना हमने फ्लायर्स का भी काम शुरू करा है, आप चाहें तो हमारे से फ्लायर्स बनवा सकते हैं जिसे आप अपने स्टेटस पे डीपी पे लगवा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आपको जीएसटी का सॉफ्टवेयर भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये वाली सारी चीज ना हम अपनी पेन ड्राइव में बताते हैं, सेक्शन 25 बताते हैं कि भाई सेक्शन 25 में कैसे होता है, एक व्यक्ति एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कब ले सकता है, क्या कंडीशंस होती है। तो अगर हमारा पेन ड्राइव कोर्स गूगल ड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। हालांकि हमने दिल्ली एनसीआर में ना अभी ना नया फेस टू फेस बैच स्टार्ट करा है, उसकी न्यू रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही होगी, तो जिन लोगों को न्यू रिकॉर्डिंग्स मिल रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वो रिकॉर्डिंग्स आपको कैसी लग रही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और सर से भी मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ सर, आपने आके जीएसटी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।